सोशल मीडिया पर मतीरा का एक इंटरव्यू क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें उनका कहना था कि 30 साल की उम्र के बाद जब मैंने अपनी जात में तब्दीली चाही तो मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। मैं सलातुल हाजात भी पढ़ती हूँ और मैं अपनी सलातुल हाजात मिस नहीं करना चाहती। मतीरा ने बताया कि अब मेरा मकसद है कि मैं 2 से 3 फर्ज नमाज भी अदा करूँ, क्योंकि सोने और काम करने की वजह से मैं 5 वक्त की नमाज नहीं अदा कर सकती। I do read Salatul Hajat because I think my only reason that I've been surviving is because I never miss my Salatul Hajat. But now my aim is that I try to read 3 to 4 namaz. Oh, I can't read all 5 because most of... वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। मेजबान का कहना था कि मैंने चीजों को समझने के लिए कुरान को इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी उर्दू और अरबी बहुत कमजोर है, इसलिए मैंने कुरान पाक को इंग्लिश में पढ़ा। उन्होंने मजीद कहा कि इंसान के लिए तब्दीली जरूरी है और हर गुजरते वक्त के साथ इंसान में तब्दीली आ जाती है। मुझे लगा है कि अब मैं ज़हनी तौर पर ज्यादा मैच्योर हूँ और ज्यादा संजीदा हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त 15 साल की लड़की तो नहीं रह सकती।